हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों आपके लेके आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो इस वीडियो बाते में बातें करेंगे हम इंडियन एयरफोर्स की रैली भर्ती के बारे में आपको बता दें अब यही होगा दोस्तों हमारे साथ रेली भर्ती के नाम पर हमारी एक इनटेक की वैकेंसी दोस्तों एयरफोर्स वालों ने कैंसिल ही कर दी है और उनकी जगह निकाल दी है रेली भर्ती और इसका क्या फ़ायदा ना ही हमारा एडमिट कार्ड आएगा ना ही हम परीक्षा में बैठ पाएंगे ना ही एग्ज़ाम होगा तो ऐसी रेली भर्ती का क्या फ़ायदा ये तो सरासर दोस्तों एयरफोर्स वाले हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं फ्रॉड कर दिया दोस्तों एयरफोर्स वालों ने आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इस तरह नई सॉलिस्ट आने वाली है उसका क्या हुआ वो आएगी नहीं आएगी क्या एयरफोर्स वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया है तो हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं दोस्तों जितने बच्चे एयरफोर्स वालों को लेने थे वो ले चुके हैं और रही बात सौ सौ परसेंट वाले बच्चों की जिन्होंने गलत आवेदन करा था वो सोच रहे हूँ कि हम रेली भर्ती में जाएंगे और हमारा दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप सभी गलत फहमी में हो तो आप भूल के ही मत जाना कि हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है हम रेली भर्ती में जाने वाले हैं तो आपके सभी के डॉक्यूमेंट चेक होंगे एयरफोर्स वालों को वही बच्चे चाहिए जिनका हाई परसेंटेज है यानी कि काबिल दोस्तों परसेंट के हिसाब से नापी जा रही है रेली भर्ती में दोस्तों आप सभी देख सकते हैं भली बात ही और बहुत बच्चे ऐसे थे कि जो उम्मीद लगाई बैठे थे कि हमारा हाई परसेंटेज है हमारा एडमिट कार्ड आएगा तैयारी शुरू कर दी थी उनका कमेंट आता रहता हमारे पास लेकिन एयरफोर्स वालों ने सभी पर पानी फेर दिया है अस्सी पचासी परसेंटेज होने के बावजूद दोस्तों उनका रैली भर्ती में नाम नहीं आया है और उनकी पूछो जिनका नब्बे परसेंटेज है यानी कि नाइन्टी परसेंटेज है उनका भी दोस्तों रैली भर्ती में नाम नहीं आया है और आया किन का जिनका हाई परसेंटेज है नाइन्टी वन है या नाइन्टी टू है या फेक बच्चों का दोस्तों इसमें एडमिट कार्ड आ चुका है जिन्होंने सौ सौ परसेंट वालों ने गलत आवेदन करा था उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका परंतु जो काबिल है दोस्तों वो रह जाता है तो ऐसी रैली भर्ती का क्या फ़ायदा भाई इसमें हम ना जा पाएंगे ना ही हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा ये तो दोस्तों एयरफोर्स वाले सरासर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और कर दिया है दोस्तों अब आपके हाथ में दोस्तों आपको लड़ना या चुप रहना है नोटिफिकेशन है पचास परसेंट का दिखावा करने वाले सौ सौ परसेंट वाले बच्चों को ले रहे हैं नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स परसेंट वाले बच्चों को ले रहे हैं तो दोस्तों कैसे चलने वाला है या नोटिफिकेशन में लिख दो कि जिनका नब्बे परसेंट है या पचानवे परसेंट है उनका ही एडमिट कार्ड आएगा तो इतना दिलासा आप क्यों दे रहे हो साफ साफ कह दो ना कि 90 परसेंट या 90 परसेंट से ऊपर बच्चों का नाम आएगा रेली भर्ती में केवल वही आवेदन करें तो एयरफोर्स वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया आएगा उनका आएगा जिनका हाई परसेंटेज है एक तरह का दिखावा कर दिया है अब आपके पास कुछ मौका है कुछ कर दिखाने का जी मेरे भाइयों आपने सही सुना जो आपकी अगली वैकेंसी आएंगी इंटेक की वैकेंसी आएंगी जो सब आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी आती हैं और सबका एडमिट कार्ड आता है सभी एग्जाम बैठ पाते हैं तो उनमें दोस्तों परिवर्तन आपसे भी कर सकते हैं हमें छः महीने का छूट चाहिए तो उसका हमें दोस्तों हर जाना कौन भरेगा तो हमें छः महीने का छूट मिलना चाहिए रैली भर्ती में तो आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा सबको जोड़ना पड़ेगा अब रेली भर्ती की बात नहीं रही दोस्तों आने वाली वैकेंसी की बात रही जो बीत गया सो बीत गया दोस्तों अब आप तो आपका एडमिट कार्ड आने से रहा आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में सोचो उसमें दोस्तों हम परिवर्तन कर सकते हैं यही मौका आपके पास कुछ कर दिखाने का इसमें दोस्तों आपकी काबिलियत नहीं परसेंटेज देखी जाती है तो यदि आपके पास परसेंटेज है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा रैली भर्ती में नहीं है तो दोस्तों आपसे भी लिख लो पहली फुर्सत में अब आप आपको तय करना है आपको आने वाली न्यू वैकेंसी में परिवर्तन करना है या आपको न्यू बैठे रहना है आने वाली न्यू वैकेंसी में हमें छः महीने का छूट मिलना चाहिए जो कि कोविड नाइन्टीन वजह से हमारे कोरोना वायरस की वजह से वेस्ट गए तो छः मंथ का दोस्तों हमें छूट मिलना चाहिए तो आप आपसे जितना हो सके ट्विटर पर कैंपेन चलाओ दोस्तों और सबको जोड़ो यही मौका कुछ कर दिखाने का अभी से दोस्तों परिवर्तन करना है आपको तभी कुछ हो सकता है और रही बात दोस्तों ये रैली भर्ती की एक तरह का स्कैम कर दिया एयरफोर्स वालों ने तो जो बीत गया सो बीत गया अब ये वापस नहीं आने वाली है ना ही आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा और ना ही पुनः शॉर्ट लिस्ट आपसे भी की जारी होने वाली है तो आप सभी आने वाले कल के बारे में सोचो जो कि आने वाली न्यू वैकेंसी आएंगी उसके बारे में सोचो कैसे वो कब आएंगी और उसके बारे में ट्वीट करो तो छः महीने का हमें एज में छूट मिलना चाहिए तो उसके बारे में कैंपेन चलाओ जितना हो सके सभी को जोड़ो नहीं तो यही होता रहेगा हाई परसेंट वालों का एडमिट कार्ड आएगा रेली भर्ती के नाम पर दिखावा होगा और आप सभी देखते रह जाओगे